इस वक्त भाजपा से हमारे साथ प्रत्याशी पति मकसूद लाला जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सीधा बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, कैसे आपका चुनाव प्रचार? हमारे प्रभारी जी ने बतलाया, हमारे संगठन के लोगों ने बतलाया कि जो चुनाव प्रचार चल रहा है, प्रभारी जी ने बतला ही दिया हमारे कि जनता का जो कार्यकर्ता सम्मेलन था, जनता का जनसैलाब इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में देखने को मिला, और यही एक टांडा की आवाज़ है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को और भारतीय जनता पार्टी ने जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ काम किए हैं, उसी नीतियों पर टांडा में प्रचार प्रसार चल। क्या लगता है 4 मई को मेहनत जहाँ कमल खिला पाएगी? बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो टिकट देती है किसी को, बहुत ही सोच समझ कर जिताऊ प्रत्याशी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ सभी धर्मों के साथ सभी जातियों के साथ जो हैं उसी को टिकट मिलता है, और काम पर टिकट दिया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, एशिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कि उसे पूरा विश्वास होता है कि यहाँ टांडा में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से यहाँ कमल खिलेगा। जीत के बाद टांडा की जनता के लिए पहली प्राथमिकता क्या होगी? टांडा के लिए पहली प्राथमिकता टांडा में जो अधूरे काम रह गए हैं और किसी वजह से नहीं हुए हैं, किसी कारणवश काम रह गए थे, उनको पूर्ण करने के भारतीय जनता पार्टी के हम पदाधिकारियों से मिलकर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में विकास के पथ पर चल रही है उनको पूरा कराएंगे। ये थे हमारे साथ मकसूद लाला, जिनका कहना है कि विजय प्राप्त करने के बाद जो भी विकास कार्य अधूरे थे टांडा के, वो हम पूरा करेंगे। मेरे सहयोगी के साथ मैं अंजू प्रजापति, जनता और सत्ता, रामपुर।